अरे से चिल्ली हरामी, तू यहाँ बैठ जा, मैं तुझे सारे को देख लिया। भैंस कहाँ है मेरी? भैंस? हाँ वो कैसी भैंस? कैसी भैंस? जोन सी बैंक का गया था तेरे दौरे। अबे वो और अबे वो तो कम बगत भाग गई। कैसे भाग गई भाई वो? अबे वो तो बड़ी तेज भागी साली। कैसे बतलाऊं? हाँ हाँ बता। बतलानी पड़ेगी? हाँ हाँ बता। तो ठीक है बतलाता हूँ। बतला बतलाऊं कैसे भागी? हाँ हाँ बतला। ठीक है ले दे। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मैं तो लुट गया, मेरी एक भैंस तो इन ग्रीसर काला तेल पिला के मरवा दी और दूसरी पता नहीं कहाँ घूम कर दी। ये तो मर गया। अरे नहीं भाई, साइकिल तक ही आदमी तो मर गया। दिखा है तो साइकिल तो मरा खड़ा कहीं इसे ही सूप की दुकान पर था। आधी किलो लाओ जलेबी गरम गरम, जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो सास है जलेबी खाने से होश आ जाएगा, समझा करो। जलेबी ला नहीं सुन रहे सोले अपनी बकरे हो है। डॉक्टर से काट के लाया था घास, अभी वो खराब हो गई। अभी से कौन खरीदेगा? जो लकड़ी काट के लाता तो वो गीली भी बिकती और सूखी भी बिकती। ठीक है अम्मी, अब लकड़ी लाया करूँगा। मकत मारे जब मैं कब्र में चली जाऊंगी, जब लाएगा क्या? अरे शेख जी, ये क्या घास लेने जा रही हो? काले मुंह के फिर टोक दिया। घास तो कल की सूखी पड़ी है, लकड़ी लेने जा रही हूँ। चलो अवेयर हो रही है, मैं तो यूँ कह रहा था। अवेयर हो रही है? अवेयर को कहीं नौकरी कर ली क्या? हाँ शेख जी, उसी का नौकरी कर ली है। तेल का काम होता है ना, तेल फ्री और नौकरी पूरी। भाई वाह, तेरा काम बढ़िया। निकल निकल ले जा। भाईजान क्या कर रहे हो? भाईजान क्या कर रहे हो? अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूँ, दिख नहीं रहा, मैं लकड़ी काट रहा हूँ। अरे मुल्ला जी, आपको खतरा है? भाई निकल ले अपने घर को, दिख नहीं रहा। भाई आप गिर जाओगे। अरे निकल ले अपने घर को, अन्यथा साले का सर में कुल्हाड़ी मार दूंगा। देख भाई, हम तो इंसानियत के नाते तुझे समझा रही है, आगे तुम्हारी मर्जी। जा फूट ले कहीं आगे दिखे इंसानियत, निकल जा रही साले को कुल्हाड़ी मारूंगा। जब इस आदमी ने मेरे को बता दिया कि मैं गिर जाऊंगा,
इसका मतलब खुदा का फरिश्ता है, इससे पूछता हूँ मैं कम मरूंगा। अल्लाह भाईजान जब तुम इतना बतला सकते हो कि मैं पेड़ में से गिर जाऊंगा तो आप ये भी बतला सकते हो मैं कब मरूंगा। भाईजान बतला दो। लगता है ये आदमी पागल। हाँ ठीक है ठीक है, शाम तक मर जाएगा। शाम तक मेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं है जो मैं कब्र खोद लूं। कब्र कौन खोदेगा फिर मेरी? देखता हूँ कई कब्र भी खोदनी पड़ेगी। कब्र कौन खोदेगा फिर मेरी? अभी कोई कब्र ही नहीं मिल रही। मेरे अंडे की है वो खुद ही खुदाई मिल गई। अल्लाह अबे बड़ा आनंद आ रहा कब्र में तो। अब पता लगा मुझे लोग कब्र में मरे पीछे कितना आनंद लेते हैं। वाह जल्दी जल्दी आ जाओ आगे को नंबर। देखो साहब मुझे लग रहा वजन अब मेरे बस की नहीं है चलना। ए सलीम के बच्चे मैं तुझे तनख्वाह आराम करने के नहीं देता, काम करने के देता हूँ। काम कर काम, शाम का वक्त हो रहा है, देर हो जाएगी फिर क्या करेंगे? बोल बोलो बोल बोल। कुछ नहीं बस मैंने कह दिया मुझे बोझ लग रहा है मुझे आराम करना। अरे तो यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे मदद ले ले, मेरे तो बस की है नहीं। भाई पैसे में तो हम ले जाते पर क्या करें हम तो मरे पड़े हैं। खान साहब मुझे लग रहा कब्रिस्तान में मुर्दे जाग गए। अरे चुप कर। अबे तू कौन है भाई? मेरा नाम शेख फिल्ली है पर मैं मरा पड़ा हूँ। अब ऐसे में कभी कोई मरता है क्या? बाहर निकल चल। बाहर नहीं निकला जब मैं फिट हो रहा हूँ कब्र में। अबे हाथ पकड़ा ना ला। भाई जान मैं तो मरा पड़ा हूँ मैं कैसे हाथ पकड़ा दूंगा? अबे हाथ ला। हाथ में मरा पड़ा हूँ हाथ नहीं उठेगा मेरा। तो मुझे लग रहा बहुत निकल बाहर ऐसे कोई मरता होगा कहीं। अबे शेख चिल्ली तू इस कब्र में? अरे तेरे से तो ठीक हो कदे से की लदे खड़ा दो। इसका मतलब तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ जी ये शेख चिल्ली है। देखो शेख चिल्ली अगर तुम हमारे घर से लेके जाओगे तो हम तुम्हें 3 रुपए देंगे। ये तेल हमारे घर तक पहुँचवा दो। 3 रुपए दोगे? हाँ। और जो दोनों को ले लूँ तो 5 दे दोगे? हाँ 5 दे देंगे। ठीक है दोनों को नस्तर रख दो मेरे ऊपर। रखो चलिए रखो संभाल के। अबे संभाल के अबे कबाड़ा करेगा क्या इनका? चलो भाईजान भाईजान मेरी जूती और पहना दो मुझे। सलीम पहनाना जूती इसको। क्यों तुम्हें शर्म लग रही है? अबे कैसे उल्टा सीधा पड़वा रहे हैं? उल्टों को उल्टे ही दिखते हैं क्या? चलो भाई किधर को चलना? चलो किधर को जाओ? चलो इधर। भाई पूरे 5 रुपए लूंगा। अबे ऊपर कूद चल। चलो पूरे 5 रुपए लूंगा। अबे मिल जाएंगे 5 कम मखत मारे। क्या मुसीबत मोल ले ली। Thank you.
लोग मुझे 5 रुपए देंगे, मैं 5 रुपए में व्यापार करूँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा, अम्मी से कहकर निकाह कराऊँगा, फिर बेगम आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कोई आगे होएगा, कोई पीछे होएगा, कोई ऊपर होएगा, कोई नीचे होएगा, सब कह करेंगे अब्बू अब्बू मुझे पैसे दे दो, अब्बू अब्बू मुझे पैसे दे दो, सब मांगेंगे मांगेंगे, तब मैं क्या करूँगा। अबे कहाँ ये क्या किया तूने, सारा तेल गिर दिया, अपने तेल की पड़ रही है, बच्चों का नाश हो लिया। बच्चे नाश, क्या बकवास कर रहा, तू मेरा पागल तो नहीं बना रहा। एक बात सुन ले, इस तेल का तो हजाना तुझे देना पड़ेगा, और जब तक इसके पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे ना, तब तक तू मेरी नौकरी करेगा, चल मेरे साथ। ठीक है चलो, पता कर लूंगा नौकरी, तुम इन्हें उठा के ले जाओ। अरे बेटा रख जाओ सब्जो। जी अबू। बेटा दुकान पे तेल नहीं है, सारे ग्राहक वापस जा रहे हैं। तो वो ले आओ ना, लाना तो है ही। अरे पता नहीं क्यों नहीं आया अनवर, मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मगर अबू आपकी टोपी। बेटा वो टोपी तो मैं कल भूल आया था काम पे ही। अरे सलीम। हाँ जी। अगर रहमान आ गया तो उसको तेल कहाँ से देंगे, कुछ अब दे देंगे, अगली बार ज्यादा दे देंगे। अरे इस कम्बख्त ने सारा सत्यानाश कर दिया, और नाम क्यों पछताते। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठे रहमान भैया, तेल के लिए आए हो गए। आपको कैसे मालूम कि मैं तेल के लिए आया हूँ। रहमान भाई जो सामान नहीं होता है ना, उसी के ग्राहक ज्यादा आते हैं, मगर क्या करूँ, एक कम्बख्त ने सारा कनस्तर तेल का बखेर दिया। क्या कहा, सारा तेल का कनस्तर बखेर दिया, हाय हाय, कौन था वो कमखत बेकूफ। अरे मेरी शक्ल वाले, तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा, अगर मुझे पागल बताएगा तो, तूने तो मुझे कहा था कि शाम को मर जाएगा। क्या कह रही है, ये तो पागल है। वो कैसे। वो ऐसे कि मैं एक दिन जंगल में जा रहा था, जनाम उसी डाले पे बैठे उसी को काट रहे थे, बस गिरा धड़ाम से। फिर क्या हुआ। फिर होता ही क्या, ऊपर से गिरे धड़ाम से गिरते मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा, बोलने लगा कि मैं मरूंगा कब तक। मैंने कहा मर जाएगा तो शाम तक, तो है नहीं पागल। कुछ भी हो रहमान भाई, ये मेरे पास जब तक रहेगा, जब तक मेरे तेल के पैसे पूरे नहीं हो जाते। आप ऐसे करो, इसे मेरे साथ भेज दो, मेरे घर काम कर लेगा। ये ठीक रहेगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा रहमान भाई। मैं तुम्हारा सामान जो है ना सलीम खाते भिजवा दूंगा, बस माल आने ही वाला है। अगर सामान होता तो मैं इसी के सर पर रख के ले जाता। अच्छा मैं चलता हूँ, चल बे चल, उठ मेरे साथ चल। चलो चलो।